Assalamu alaikum, nursery class. Today is our third online lecture. I'm your teacher, Davinda Khan. Today our topic is letter E, capital E and small e. Okay, take out your textbook and open page number 5. This one page number 5. Students, हमने अपने previous lectures में लेटर डिस्कस किए हैं, वो थे लेटर ए बी सी एंड डी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लेटर ई. ओके, कैपिटल ई एंड स्मॉल ई. लुक एट योर बुक्स. देखिए, आपको ऊपर रेड कलर में दो ई नजर आ रहे हैं. वन इज कैपिटल एंड द सेकेंड वन इज स्मॉल. ओके, कैपिटल लेटर ई एंड स्मॉल ई. Now come on vocabulary. What is the sound of E? E a. What is the sound of E? E a. E a ear. E a eraser. E a envelope. E a elbow. अब देखें, इसके नीचे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है कैपिटल ई एंड स्मॉल ई की. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने इनको ट्रेस करना है. उससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, आपकी प्रैक्टिस होगी और आप ज्यादा बेटर वे में ई लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ कम अगेन ऑन वोकैबुलरी. ई ए ईयर, ई ए इरेजर, ई ए एनवेलप, ई ए एल्बो. कम ऑन नेक्स्ट स्लाइड. सो स्टूडेंट्स, हियर आर सम पिक्चर्स. और यहाँ पर आपको लेटर ई दिखाया गया है. ठीक है, ये कौन सा ई है, स्मॉल और कैपिटल? कैपिटल. ओके, ये कैपिटल ई है. और देखे इस ई से कितनी ज्यादा पिक्चर्स बन रही है. ठीक है, कौन कौन से पिक्चर स्टार्ट हो रही है इस लेटर से? देखे सबसे पहले ईयर, ई ए ईयर, ये आप पढ़ चुके हैं पीछे. ठीक है, अपने बुक के पेज पे पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं. ईयर, एल्बो, इरेजर, एग. ठीक है, अब देखे और क्या क्या है. एलिफेंट है, एट है, आई है, एनवेलप है, ईगल है, और क्या है, इंजन है, अर्थ है. ठीक है, अब अगर मैंने कोई पिक्चर इसमें आपको नहीं बताई तो वो आप खुद से देखेंगे और गेस करेंगे कि वो क्या पिक्चर है. ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट स्लाइड. नाउ टेक आउट योर इंग्लिश प्राइमर वर्कबुक, पेज नंबर 13. अब देखिए, जो हमने पीछे टेक्स्ट बुक की रीडिंग की है ई की, लेटर ई की, उसी की आगे आपकी रिटर्न प्रैक्टिस है आपकी वर्कबुक पे. ठीक है, वर्कबुक पे आपने लेटर ई की प्रैक्टिस करनी है. सबसे पहले है आपका स्मॉल लेटर ई. ठीक है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है. देन कम ऑन पेज नंबर 14. यहाँ पर क्या है आपका, कैपिटल ई है. ठीक है, ये क्या है, कैपिटल ई. अब आपने कैपिटल ई की भी यहाँ पर रिटर्न प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, ऊपर आपने डे और डेट भी मेंशन करना है ताकि आपको डेट भी मेंशन करनी आ जाए. ठीक है, कम ऑन पेज नंबर 15. अब देखिए, पीछे आपका सबसे पहले था स्मॉल लेटर ई, फिर कैपिटल ई. अब पेज 15 पे क्या है, कैपिटल स्मॉल बोथ. ठीक है, दोनों लेटर्स हैं आपके पास, इन दोनों लेटर्स की आपने प्रैक्टिस करनी है. ओके, और कोशिश करें कि जो आपके प्रीवियस लेक्चर्स में लेटर्स डिस्कस हो चुके हैं उनकी भी साथ प्रैक्टिस करें, ए बी सी डी और ई. ठीक है, ओके, नाउ कम बैक टू योर टेक्स्ट बुक, इंग्लिश प्राइमर टेक्स्ट बुक. ओपन पेज नंबर 6. आप देखिए, आपके पेज नंबर 6 पर क्या है. सबसे पहले इनसर्कल द एलिमेंट्स विद द लेटर ए. ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिखाए गए हैं. उन एलिमेंट्स पर क्या है, आपके कुछ लेटर्स हैं जैसे लेटर ए बी ए बी ए. अब आपने कौन सा एलिमेंट को सर्कल करना है, लेटर ए को. ठीक है, जिस एलिमेंट पे ए है उसको आपने सर्कल कर देना है. नेक्स्ट क्या है, कलर द सर्कल्स विद द लेटर बी. अब आपके पास सर्कल्स हैं, उनमें भी आपको लेटर्स शो करवाए गए हैं, बी सी बी सी बी.
अब आपने कौन से सर्कल को कलर करना है? बी को, लेटर बी को, ठीक है? जितने लेटर बी के साथ सर्कल्स हैं उनको आपने कलर करना है। अब नेक्स्ट क्या है? ओ नेक्स्ट तो यहाँ पर आपके पास एक पजल गेम है, हेल्प द गर्ल रीच द कैंडीज, ठीक है? आपने इस गर्ल की हेल्प करनी है इस पजल्स के थ्रू ताकि वो कैंडी तक पहुंच सके, ठीक है? अब ये अगर आपकी क्लासेस होती तो आप टीचर की हेल्प से करते, लेकिन अब मम्मा आपकी हेल्प करेंगे घर पे, और मम्मा की हेल्प से आपने इस गर्ल की हेल्प करनी है ताकि ये कैंडीज तक पहुंच सके और आपने इस पजल गेम को एंजॉय करना है। गॉट इट? नाउ कम ऑन पेज नंबर 7। अब पेज नंबर 7 पर क्या है आपके? कलर द डोनट्स विद द लेटर डी, ठीक है? जितने डोनट्स लेटर डी के साथ हैं आपने उनको कलर करना है, ठीक है? सी वाले डोनट को कलर नहीं करना, सिर्फ लेटर डी वाले डोनट्स को कलर करना है, ओके? अब नेक्स्ट क्या है? ट्रेस ई एंड कलर द एनवेलप्स। आपने लेटर ई को ट्रेस करना है इन एनवेलप्स पर। देखें आपको डॉट्स नजर आ रहे होंगे जो कि लेटर ई है, इनको आपने ट्रेस करना है और एनवेलप को आपने कलर करना है, ओके? ये था हमारा पेज नंबर 7। नाउ कम ऑन पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पर क्या है? राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर कैपिटल, ठीक है? अब देखिए पिक्चर्स क्या है। सबसे पहले है आपकी डॉल। अब डॉल क्या साउंड दे रही है आपको? डी द डॉल, तो आप यहाँ पर डी लिखेंगे। फिर डॉल्फिन है, डॉल्फिन में भी पहले किसकी साउंड आ रही है? ड, तो आप डी लिखेंगे यहाँ पर। फिर है बटरफ्लाई, ब, बटरफ्लाई की साउंड क्या होती है? ब, ठीक है? बी ब, आपने यहाँ पर कैपिटल बी राइट करना है। देन कैंडी, कैंडी किस क्या साउंड है? सीख कैंडी, ठीक है? आपने यहाँ पर कैपिटल सी लिखना है। उसके बाद है ईयर, ई एफ ईयर, ये तो अभी अभी आपने अपने लेक्चर में पढ़ा, आज का तो हमारा टॉपिक ही ई था, ठीक है? तो यहाँ पर आपने कैपिटल ई लिखना है। और फिर है इरेजर, इरेजर भी ई से बनता है, तो आपने यहाँ पर कैपिटल ई राइट करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आपको मैंने जितने वर्कबुक के पेजेस असाइन किए हैं आपने वो कंप्लीट करने हैं। उसके अलावा मैंने आपको रफ रजिस्टर पर प्रैक्टिस बोला करने के लिए, वो करनी है आपने, और इन वोकैबुलरी वर्ड्स को अच्छी तरह आपने रिवाइज करना है, और आपने इन लेटर्स के साउंड रिवाइज करने हैं। तो यहाँ हमारा लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हुआ, ओके? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।